से मारुति सुजुकी जिम्नी की मार्केट हम अप कर दें आज के टाइम पे ना इस कार पे भाई अभी भी आपको अप टू 1.25। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़े भाई ऑल न्यू 2024 मारुति सुजुकी जिम्नी और रेड कलर में। भाई कहीं ना वो रेंगलर वाली वाइब्स दे देती है। आई मीन अगर आप दूर वगैरह से देखो जी वैगन रेंगलर भाई कुछ कह लो, सामने से लोग हमर भी कहते हैं, मतलब बोलने को तो ना इसे कुछ भी कह लो, बट हाँ रेड कलर में कहीं ना कहीं बढ़िया तो ये कार लगती है, स्टैंड आउट तो कहीं ना कहीं करती है। एंड आज की वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई आज के टाइम पर भी आप जिम्नी पे कितना डिस्काउंट पा सकते हैं। आज मैं आ रखा हूँ भाई नेक्सा, इधर आप पढ़ सकते हैं, शोरूम का नाम मैं भूल जाता हूँ यार बार बार, इधर ना कहीं लिख रखा है, कहाँ लिखा है कहाँ लिखा है, हाँ मॉडर्न ऑटोमोबाइल पंचकुला में आ रखा हूँ इंडस्ट्रियल एरिया में, इधर भी लिखा हुआ है। बाकी हाँ नंबर वगैरह भी आप देख ही सकते हैं, इधर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको अच्छी डील जिम्नी पर चाहिए। ये देखो 0172 जो भी नंबर है आप इधर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी तो आज की वीडियो में ना मैं क्विकली आपको बताने वाला हूँ कि भाई जिम्नी में आपको क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई जब डिस्काउंट आए थे ना बीच में तो बहुत हाइप में आ चुकी थी कार। अब भाई थोड़ी सी ना मार्केट कहीं ना कहीं फिर से डाउन हो चुकी है, बट कोई बात नहीं भाई, कोशिश करेंगे फिर से मारुति सुजुकी जिम्नी की मार्केट हम अप कर दें। डिस्काउंट मैं आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले की देख लो, ऐसी कुछ है इसकी की, वही बेसिक सी सुजुकी की की, लॉक अनलॉक इसे हम कर देते हैं अनलॉक, इंडिकेटर इसके जल जाते हैं, टू ये करती है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, ऑफ रोडर है, 4x4 है, 210 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। सब 4 मीटर कार है, भले ही भाई ये 5 डोर हो, बट जो थार 5 डोर आएगी ना वो सब 4 मीटर नहीं होगी, स्कॉर्पियन के डायमेंशन पे होगी। बहुत लोगों को ना इस बात पे डाउट होता है, बट हाँ, बट एनीवे ये सब चीज छोड़ते हैं। इसके इंजन की बात करें ना, इसमें आपको मिल जाता है 1500 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन, जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 103 bhp विद 135 nm ऑफ टॉर्क। एंड फ्रंट लुक की बात करें, ऐसी कुछ है इसकी ग्रिल, अच्छा खासा क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है। अक्सर लोग जिम्नी लेके इसकी ग्रिल चेंज करा देते हैं, वही थार वाला हाल भाई इसमें भी हमें देखने को मिलता है। LED इसमें आपको हेडलाइट मिलती है, और ये देख लो भाई फर्स्ट इन सेगमेंट इसमें आपको वॉशर मिल जाते हैं जिससे आप अपनी हेडलाइट वगैरह साफ कर सकते हैं अगर आप तगड़ी ऑफ रोडिंग करते हैं। बाकी इधर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, इधर आपको नीचे फॉग लाइट मिल जाती है, कोई स्किड प्लेट वगैरह मतलब कि ऐसे ना सिल्वर कलर की नहीं मिलती है, ऑल ब्लैक इसमें आपको बंपर मिलता है, वही प्लास्टिक फाइबर भाई बंपर रहता है। सोचो ब्लैरो वाला बंपर इसमें आ जाए, करे लोहे वाला क्या ही बात होगी। वैसे महिंद्रा अपनी थार में नहीं देती है, केवल ब्लैरो में देती है, किसी को पता है ऐसा क्यों है तो कमेंट सेक्शन में ना जरूर बताना। बाकी साइड में आ जाते हैं, टॉप वेरिएंट है ये, बट स्टिल फेंडर पे ही आपको इंडिकेटर मिलते हैं। एंड टॉप वेरिएंट के साथ साथ ये ड्यूल टोन भी है, एंड उसी के साथ साथ ये है मैनुअल, मतलब कि अराउंड 3.85 लाख रुपीस ना इसका एक्स शोरूम रहेगा ही रहेगा। दोनों साइड ना आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं इधर भी उधर भी, बहुत ही यूनिक से लगते हैं अक्सर, मतलब कि इधर की साइड होते हैं डोर हैंडल्स पे होते हैं। एंड हाँ बॉडी कलर ही इसमें आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं, बट यस उसी के साथ साथ टायर साइज की बात करें ना, इसमें आपको मिल जाते हैं भाई 15 इंच के टायर, 195/80 R15। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, रियर में कोई भी आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलती है, बट हाँ अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं। बस आप योकोहामा के जो जियो लैंडर आते हैं ना टायर डलवा लो 15 इंच की, अलॉय व्हील्स तो इसमें भाई बढ़िया लगते हैं, कोई दिक्कत वाली बातचीत आती नहीं है। एंड इसी के साथ साथ जो क्लैडिंग है अच्छी खासी है, बट कोई स्टेपर नहीं है क्योंकि आपको भाई जरूरत पड़ेगी नहीं स्टेपर की। एक बार मैं कार को अनलॉक कर देता हूँ, ये लो इजीली आप अंदर कार के जा सकते हैं। कार की कंडीशन थोड़ी सी आपको लग सकती है कि गंदी है, थोड़ी तो नहीं बट ठीक है यार, जो ऑफ रोडिंग कार्स होती हैं वो गंदी ही बढ़िया लगती हैं। और एक चीज़ आप नोट कर रहे हो भाई, जो इसकी विंडो है टॉप वेरिएंट है अल्फा, इसलिए आपको यूवी प्रोटेक्टेड विंडोज इसमें आपको मिल जाती है, मतलब कि ग्रीन टिंट इसमें आपको मिल जाती है। इससे नीचे ना जेटा भी आपको मिल जाता है, वो भी अगेन 4x4 ही आपको मिलेगा। बाकी तो हाँ रियर स्पेस की बात करें ना, इधर से हम अंदर ही चलते हैं, पावर विंडोज के कंट्रोल देखो भाई कितने यूनिक है। कार तो यार कहीं ना कहीं बढ़िया है, इंडियन मार्केट में मात पता क्यों खाई है, रोड प्रेजेंस करके बस। बट हाँ स्पेस की बात करें देख सकते हो, थाई स्पोर्ट बहुत ज्यादा कम है, लेग रूम इनफ तो नहीं कह सकते, अगर सीट थोड़ी सी एडजस्ट करूंगा तो इनफ हो जाएगा, बट हाँ थाई स्पोर्ट आपको कम लगेगा। एंड हेडरूम की बात करें, हेडरूम भाई ओकेश है, कोई दिक्कत वाली बातचीत हेडरूम में तो नहीं है। एंड इसी के साथ साथ दो एडजस्टर आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, कोई सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलती है, 50-50 स्प्लिट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। पीछे ना दो ही बंदे आप बैठोगे, जो थार में दिक्कत आती है ना यार, जो मुझे पर्सनली लगता है उसमें ना डोर नहीं है, नहीं तो जगह तो उसमें भी बढ़िया है, मतलब इससे तो ठीक जगह मेरे ख्याल से है क्योंकि मेरे पास थार थी पहले, तब मैं आपको बता रहा हूँ। बट हाँ इसमें भी ना कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है यार, लाइफ स्टाइल वही कल है, थोड़ा बहुत तो बंदे एडजस्ट कर ही लेते हैं। बाकी इस हेलोजनी ना इसमें आपको कैबिन लाइट मिलती है। एनडीसी के साथ साथ हम चलते हैं कार के बाहर, करते हैं डोर बंद। बट यार अगेन मैं यही बोलूंगा, रेड कलर में ना कार भाई बढ़िया तो लग रही है। बाकी इधर आपको जिम्नी की बैजिंग मिल जाएगी। अब आप सोचेंगे टेल लाइट कहां है, टेल लाइट भाई इसमें आपको इधर मिलती है, एंड टेल लाइट में ना आपको सारा हेलोजन सेटअप ही मिलता है। बाकी 1, 2, 3, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं, रिवर्स कैमरा भी इसमें आपको मिल जाएगा, रियर वाइपर मिल जाता है, रियर डिफोगर मिल जाता है, नेक्सा की बैजिंग इधर, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है। एंड इसे मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, खुल जा भाई
थोड़ी सी है, ये क्या हो रहा है, खुल क्यों नहीं रहा है, ऐसे खोलना पड़ेगा। हाइड्रोलिक जाम है क्या इसका लग रहा है? हाँ वही, हाइड्रोलिक में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, ज्यादा पंगे नहीं लेते, शोरूम वाले भगा देंगे। बाकी बूट लाइट आपको इधर मिल जाती है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, एंड 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 एक चीज देख रहे हो, रेड कलर की ही, मतलब कि इंटीरियर में जो पेंट हो रखा है वो भी रेड इन्होंने कर रखा है, मतलब कि फिट एंड फिनिश जिसे कहते हैं ना, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे रखा है। बाकी तो ठीक है भाई, इसे हम कर देते हैं बंद। ऊपर आपको एंटीना भी मिल जाता है, चोंच वाला कोई शार्क फिन एंटीना आपको नहीं मिलता है, ऑल ग्रिप की बैजिंग आपको मिल जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया 4x4 कार है। बाकी तो इधर से आप इसमें डालेंगे फ्यूल, अराउंड 40 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, केवल पेट्रोल डलेगा, कोई डीजल वगैरह नहीं है। अगर इसमें डीजल इंजन आ जाए ना तो और बातचीत बन जाएगी, बट भाई ये एक्सपेक्टेशन भी आप मत रखना कि डीजल इंजन आएगा। एंड डोर ट्रिम की बात करें ना, बट उससे पहले आप एरिया देख रहे हो भाई, कितना सही खुला है यार ये डोर ट्रिम, मतलब कि अंदर जाने का एरिया बहुत ही ज्यादा है, जो कि बढ़िया बात है। एंड डोर ट्रिम की हम बात करें, ऑल ब्लैक डोर ट्रिम है, इंटीरियर भी यानी कि ऑल ब्लैक ही आपको मिलता है, कोई ड्यूल टोन इंटीरियर नहीं है। ग्रैब हैंडल इधर आपको मिल जाते हैं, क्रोम में आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, इधर से आप रिक्लाइन कर सकते हैं एंड इधर से आप स्लाइड कर सकते हैं, एंड 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 हाइट एडजस्ट शायद से नहीं कर सकते। हाँ भाई, हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता है, बट ठीक है। एक बार कार को मैं स्टार्ट करता हूँ, रिफाइनमेंट तो भाई मारुति आपको पता ही है, बहुत ही रिफाइंड इंजन आपको मिलते ही हैं, बढ़िया यार, बट ये कोई कवर नहीं करता, ये हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता। बट देखा जाए जिस हिसाब से मेरी हाइट है, बोनेट का आपको क्लियर व्यू मिल जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बातचीत तो ना आपको एज सच नहीं मिलेगी। एंड लेदराइज्ड इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, ऐसी ऐसी चीजें ये बोलती रहती है, इसे हम कैंसिल कर देते हैं। एंड स्टीयरिंग व्हील की बात करें, टिल्ट है और टेलीस्कोपिक ये नहीं है। वाओ, ऑटोमेटिक हेडलाइट है, ऑटोमेटिक वाइपर नहीं है। बाकी इधर आपको ऑटो ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, इधर से आप अपने वही फ्रंट हेडलाइट क्लीन कर सकते हैं इसे दबा के, ठीक है जी। इधर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, ये रहा, इधर से आप अपने ORVM एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, वही भाई जिप्सी वाली वाइब ये दे देगा, इधर से आप अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल कर सकते हैं, इकोनॉमी वगैरह, मतलब की अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन ये बता देती है। 8 तक टैकोमीटर क्योंकि पेट्रोल है, 180 तक स्पीडोमीटर, किसी का अगर जिमनी है तो जरूर बताना भाई टॉप स्पीड आपने कितनी लगा रखी है। कॉल कट आप इधर से करेंगे, पिक करेंगे, वॉइस कमांड के बटन आपको इधर मिल जाते हैं। एंड अब सेंटर कंसोल की बात करें, खासकर जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, बहुत ही जबरदस्त यार, 10 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको मिल जाती है, जिसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिल जाता है। एंड जो टच रिस्पांस है बहुत ही बढ़िया है, ये देख लो माइलेज अभी 4.9 दिखा रही है, और ये देख लो ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट, मतलब की जबरदस्त लगती है। Z10 अल्फा में जो मेन फर्क मुझे लगता है ना, वैसे तो आई नो बहुत सारे फर्क है, बट ये स्क्रीन का रहता ही है। मैनुअल ORVM ही आपको मिलते हैं, महिंद्रा वाली बातचीत। बाकी कैबिन लाइट की बात करें, हैलोजन कैबिन लाइट है, इधर आपको मिरर मिल जाता है, कोई लाइट नहीं है, इधर आपको टिकट होल्डर नहीं मिलता है, मिरर ही मिलता है, नाइस यार, वाओ लग्जरी फीचर्स। बाकी यस, ऑटोमेटिक एसी आपको मिलेगा, हजार्ड लाइट का स्विच, ग्लव बॉक्स इसमें आपको मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, USB सॉकेट मिल जाएगा, स्पेस है अच्छा खासा, 5 स्पीड मैनुअल, एंड ये है भाई इसका 4x4 का लीवर, बिल्कुल ही नुन्नू सा, बट हाँ 6 स्पीड भाई आना चाहिए, और जो इनका ऑटोमेटिक है वो भी 4 स्पीड ऑटोमेटिक है। थार में ना आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिल जाता है, बाकी मैनुअल हैंडब्रेक, पावर विंडोज के कंट्रोल आपको इधर मिल जाएंगे फ्रंट वाले, एंड ये भाई डमी बटन से आपको मिलते हैं, बढ़िया है यार, खासकर जो यूवी प्रोटेक्टेड ये ग्लासेस है ना, उससे ना और बढ़िया लग रही है, मतलब कि कार बहुत ज्यादा जल्दी ठंडी हो चुकी है। बट अब मेन बात करते हैं भाई डिस्काउंट्स की, और कार को बंद कर देते हैं, क्यों इनका पेट्रोल फूकना। आज के टाइम पे ना इस कार पे भाई अभी भी आपको अप टू 1.25 लाख रुपीस का डिस्काउंट मिल रहा है हमारे इधर, तो अगर आप आसपास रहते हैं तो भाई पूछ सकते हैं। एंड इन्होंने तो ना मुझे बताया कि 1.25 लाख का डिस्काउंट, अब आपको पता ही है जिसे बार्गेन करना है भाई वो 1.5 लाख तक का भी डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं, वो ये अपनी बार्गेन स्किल्स पे डिपेंड रहती है चीजें। बाकी एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, इधर आपको ट्रैक्शन ऑफ का बटन मिल जाता है, एंड ये है हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन, बाकी विंडोज अप डाउन आप इधर से भी कर सकते हैं। एंड रिवर्स कैमरा क्वालिटी की बात करें ना, ऐसा कुछ है भाई इसका रिवर्स कैमरा ओकेश है, बट ये देखो रिवर्स पाया भाई कितनी वाइब्रेशन है कार में। एंड यस, मैं आपको ये बता रहा था, अगर आपके मन में है मुझे जिमनी चाहिए, एंड पहले आपसे मिस हो चुकी है जब इस पर डिस्काउंट चल रहे थे, तो ये बेस्ट टाइम है भाई, अभी भी बहुत सारे पीसेस इनके पास पड़े हैं जिन पे डिस्काउंट है। मेरे ख्याल से ना जो मुझे पर्सनली लगता है, जो 2023 वाले होंगे ना उन पे मेजर डिस्काउंट होगा, 2024 पे कम डिस्काउंट होगा। बाकी तो आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है, अगर आई है ना वीडियो को ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। मैं आप सबको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।